इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक आज सुबह 11 बजे संसद भवन में कमेटी रूम में होगी। इस बैठक में सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान के हालात और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में सभी पार्टियों को जानकारी देंगे। भारत अभी तक 800 से ज्यादा लोगों को काबुल से निकाल चुका है और यह मिशन जारी है। हालांकि तालिबान द्वारा 31 अगस्त की डेडलाइन देने के बाद हालात और कठिन हो गए हैं, लेकिन भारत अपने मिशन में जुटा है। पिछले 20 साल से भारत ने अफगानिस्तान में बड़ा निवेश किया है और साथ ही अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक साथी भी रहा है। ऐसे में वहां पर तालिबान का कब्जा हो जाना भारत के लिए बड़ी चुनौती भी है। इन हालातों में भारत की रणनीति क्या होगा, इस पर निगाहें हैं। आज की सर्वदलीय बैठक में इन्हीं मुद्दों पर केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ मंथन भी करेगी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, बल्कि अभी वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने पर फोकस किया जा रहा है। भारत सरकार आज सभी पार्टियों के नेताओं के साथ अफगानिस्तान की रणनीति पर मंथन करने वाली है, लेकिन इससे एक दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने साफ कर दिया है कि तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से भारत की तरफ कोई भी टेरर एक्टिविटी हुई तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। डीलिंग विद अफगानिस्तान एंड तालिबान एंड टेररिज्म फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इज समथिंग व्हिच वी आर ऑल टुगेदर फाइटिंग द ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। दैट इज समथिंग व्हिच वाज अनाउंस्ड मेनी इयर्स अगो। दैट साइड वी हैव टू एंश्योर दैट वी आर प्रिपेयर्ड टू फाइट ऑल एक्शंस बाय द टेररिस्ट एक्टिविटीज। आवर नेशन इज कमिटेड टू एंश्योर दैट वी हैव अ terrorist free environment in this region. So as far as Afghanistan is concerned, we will make sure that any activity which is likely to flow out of Afghanistan and then find its way into India will be dealt with in the manner in which we are dealing with terrorism in our country. And I think if any other support can be forthcoming from the Quad nations in at least identifying the terrorists and getting some intelligence input to fight this global war on terrorism, I think that would be welcome. जनरल रावत ने यह भी साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ है उसका अंदेशा भारत को पहले से था। साथ ही सीडीएस ने यह भी साफ कर दिया है कि हम तालिबान को भी पहचानते हैं और उनके नए पार्टनर्स को भी। ऑल दैट आई वुड से इज एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड वाज समथिंग दैट हैड बीन एंटीसिपेटेड, ओनली द टाइमलाइंस हैव चेंज्ड। सो एज फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव वी वर एंटीसिपेटिंग अ तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। वी वर कंसर्न्ड अबाउट हाउ the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line. But it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. The news reports and reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. It's the same Taliban with different partners. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।